बेंगलुरु के एक चौथी क्लास पास शख्स ने अपनी लगन और सूझबूझ से एक ऐसी छड़ी ईजाद की है जो दृष्टिहीनों की आंखें और ना सुन सकने वालों की कान बन सकती है। अपने इस सपने को पूरा करने में इस व्यक्ति ने अपनी बीवी के गहने यहां तक की जमीन तक बेच डाली। यही है वो जादुई छड़ी जो दृष्टिहीनों को तकरीबन एक मीटर पहले ही बता देती है कि रास्ते को लेकर आगे कैसी सावधानी बरतनी है। साथ ही आसपास कोई आ जाए तो उन्हें सचेत भी करती रहती है। जो सुन नहीं सकते उन्हें वाइब्रेशन यानी कंपन के जरिए सतर्क कर देता है। दृष्टिहीनों के लिए ऐसी छड़ी बनाने की सोच एक घटना ने जन्म दिया। एक बार एक ब्लाइंड मेरे सामने से दुकान के मेरे सामने से गुजरा, तो ऐसा वक्त था तो साइक्लोन में बारिश की भी बहुत ज्यादा थी और वो रोड टार का नहीं था, वो बहुत खड्डा गड्ढा ये कुछ पानी लेवल था, वो स्टिक काम नहीं करी उस जगह के ऊपर। इसका जो कदम का काउंटिंग होता है 1 2 3 4 10 100 ऐसा काउंटिंग होता है, उसको कन्फ्यूज हो गया, वो क्या हो गया खड्डे में गिर गया। कुछ अलग करने की धुन ऐसी चढ़ी कि गांव में पानी चढ़ाने का मोटर ठीक करने वाला ये मिस्त्री सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस एक डिजाइन बनाने में जुट गया। जमीन बेच दी, बीवी भी परेशान हो गई। पहले 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 स्टार्टिंग में बहुत गुस्सा आता था, पूरा चले जाता था, आइटम्स कुछ भी नहीं रहता था, घर के बर्तन चले गए, सेट चले गई, जगह नहीं, रहने को घर नहीं, जब बहुत बेजार होता था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सामान आने लगा, जब थोड़ा तसल्ली हो गई। लेकिन अब दोनों पति पत्नी खुश हैं, संस्थाओं से इन्हें ऑर्डर्स मिल रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ भी हो रही है। इसकी कीमत लगभग 2,500 रुपए के आसपास है। एक बार चार्ज करने पर यह तकरीबन 75 घंटे काम करती है। वजीर हयात साहब के पास न तो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की डिग्री है न ही किसी पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा, इसके बावजूद अपनी लगन और सूझबूझ से उन्होंने जो कुछ कर दिखाया है वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। तुमकुर कर्नाटक से कैमरामैन अल्फोंस के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।